सौरव, सौरव, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तू? क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। लाओ मैं सर दबा देता हूँ। मुझे लगता है मुझे बुखार है बहुत। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रुको मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये मेरी बीबी है, देखना इसको क्या हुआ, इसके सर में दर्द है। ठीक है मैं चेक करता हूँ, आप इधर आ जाओ। सौरभ एक गिलास पानी ला दो। ठीक है मैं अभी लाता हूँ। अरे भाई मुबारक हो। मुबारक हो, वो किस लिए? अरे आप माँ बनने वाली हो। क्या, मैं माँ बनने वाली हूँ? पर अभी हमारी शादी को तो एक ही हफ्ता हुआ है, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? आपको एक हफ्ता हुआ है या दो हफ्ते उसका मुझे नहीं पता, बस आप प्रेग्नेंट हो। प्लीज डॉक्टर साहब मेरी एक हेल्प कर दो, मेरे पति को कुछ मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या मतलब, ये बच्चा इनका नहीं है? नहीं डॉक्टर, आप मेरा अबॉर्शन कर दो। डॉक्टर साहब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, पर प्लीज मेरे पति को कुछ मत बताना। ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा और मैं तुम्हारा अबॉर्शन भी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी एक रात मेरे नाम करनी होगी। क्या, ये क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर साहब, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? तो ठीक है कोई बात नहीं, किसी और से इलाज करा देना, फिर उसको पता चल जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर साहब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे पति को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो रात की बात छोड़ो, अभी शुरू करें। एक मिनट डॉक्टर, अभी कैसे, अभी तो मेरे पति इधर ही है ना। ठीक है मैं ना तुम्हारे पति को दवाई लिख के दे देता हूँ और हमारा काम हो जाएगा, तो तुम्हारे पति को भी पता नहीं चलेगा। नीतू, पानी। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी ना मेरी बीवी? अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इनके सर में दर्द था, मैंने इनको टैबलेट दे दिए और मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप वो जाके ले आओ। ठीक है। ये लो। ठीक है डॉक्टर साहब मैं अभी लाता हूँ। ठीक है कोई नहीं, आराम से आ जाना। डॉक्टर अभी कैसे, अभी तो मेरे पति सिर्फ दवाई लेने गए हैं ना। मैंने तुम्हारे पति को ऐसी दवाई लिख के दी है कि पास के मेडिकल पर नहीं मिलेगी और इतने में हमारा काम भी हो जाएगा, तो शुरू करें। अरे डॉक्टर साहब वो दवाई तो, डॉक्टर साहब मुझे लगता है डॉक्टर साहब चले गए। अरे नीतू, नीतू क्या है ये सब? डॉक्टर साहब मैं दवाई लेने के गया बाहर और तुम यहां ये सब कर रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए डॉक्टर साहब, आप किसी बीमार को देखने के लिए आए थे और तुमने, डॉक्टर साहब अपनी उम्र का तो लिहाज करते। देखो सौरभ
मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। डॉक्टर सच? कैसा सच? सौरभ तुम्हारी बीवी ना प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? हाँ, और ये सब कुछ इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम इसे छोड़ दोगे। नीतू क्या ये बात सच है? हाँ सौरभ। लेकिन डॉक्टर साहब तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे थे? सौरभ कंट्रोल करो अपने आप को, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल मैं ही बहक गया था, मैंने तुम्हारी वाइफ से सौदा किया था कि तुम मुझे एक रात दो और मैं तुम्हारा अबॉर्शन कर दूँ, तुम्हारे पति को पता नहीं चलेगा, बस इसलिए मैंने ये सब किया। सौरभ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मरीज के साथ ये हरकत नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ सौरभ मुझे माफ़ कर दो। डॉक्टर साहब इससे पहले कि मेरा हाथ उठे निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से। सौरभ प्लीज मुझे माफ कर दो। नीतू उस डॉक्टर के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसी क्या मजबूरी थी नीतू, बताओ मुझे। मैं मजबूर थी सौरभ, किस मुंह से बताती कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। और सौरभ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, बस इसलिए मैं डॉक्टर के साथ सब कुछ करने को तैयार हो गई। काश नीतू ये सब तुमने पहले ही बता दिया होता तो पहले ही ठीक हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।